आपने वैसे ही फिल्म्स को बैक करा, वैसे ही कैरेक्टर्स की जो हम रेगुलर हीरो कैरेक्टर कहते थे, जो ओवर द टॉप नहीं होते थे. सो आज जब आप उन एक्टर्स को देखते हैं, चाहे वो विक्की हो या राजकुमार राव हो, जब उनको एक सक्सेस भी मिलना शुरू हुआ है, हाउ डू यू लुक एट दैट देयर सक्सेस? अच्छी बात है अगर सक्सेस हो रहे हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है. और मैं तो कहता हूँ कि और सक्सेसफुल हों, बढ़िया है, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, विच इज़ गुड, वेरी गुड. तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का थोड़ा सा सैड लगता है कि आपने ऐसी ही बहुत शानदार फिल्में दी है जो बहुत सुपीरियर थी कॉन्टेंट में, पर मे बी दे डिड नॉट अर्न अ लॉट. नहीं, मेरी फिल्में तो आज भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वर्क नहीं करती बॉक्स ऑफिस पे. मंटो की थी, वर्क नहीं की वो फिल्में. रमन राघव थी, वो वर्क नहीं की बॉक्स ऑफिस पे. और सी क्या होता है ना फिल्म्स का, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, कंटेंट ड्रिवन फिल्में आने लगी हैं आप आज की डेट में, और वो चल रही हैं. वो चल इसलिए रही हैं क्योंकि उसमें आप गाने डाल रहे हो. कॉन्टेंट तो है लेकिन उसमें गाने डाल रहे हो, कॉमेडी भी डाल रहे हो. जो फार्मूला है ना, फार्मूले की जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हो आप उसमें. इतनी हार्ड कोर फिल्म में नहीं है वो कंटेंट. ठीक है, आपने कंटेंट ले लिया कोई भी, लेकिन रेसिपी क्या है? बॉलीवुड की है. अभी बहुत ही छोटी सी पॉकेट है ऑडियंस की जो इस तरह की फिल्में, जो हार्ड कोर कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्में जिनमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता बिल्कुल भी, वो उसके लिए अभी भी बहुत कम ऑडियंस है. हम खुश हो रहे हैं कि अरे कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्में, अरे फार्मूला तो बॉलीवुड ही का है, उसमें गाने भी हैं, कॉमेडी भी है, और सॉन्ग्स भी हैं उसमें, डांस भी है, सब कुछ तो है उसमें, क्या फ़र्क है? और हम जो कमर्शियल फिल्में उनको बकवास बोलते हैं. ले तो आप वहीं से रहे हो, बस ये है कि गांव में चले गए हो. उसी फॉर्मूले को लेके छोड़े गांव में चले गए, जो अनुराग तो बहुत पहले जा चुका था. बहुत शुरू में जब ऐसी फिल्में आ रही थी जो कि छोटे शहरों में सेट थी, तो एक नॉवेल्टी थी कहानी में, पर अब ये भी एक फॉर्मूला बन गया है जिस फॉर्मूले को हम से हम भागना चाह रहे थे, अब हम एक नए फॉर्मूले की तरफ ट्रैप होते जा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री. सी ये हर 5 साल में होता है, भेड़ चाल होती है ना, तो भेड़ चाल की तरह हम तो भेड़ चाल की तरह भागते हैं ना. अच्छा ये हिट है, अभी गाँव में जाना हिट है, छोटे छोटे कानपुर लखनऊ शहरों में जाके, जैसे शादी ब्याह वाली फिल्में हैं वो भेड़ चाल हो गई अभी, और वो हिट भी हो रही है, लोग देख भी रहे हैं उसको. तो अब जब आपको मालूम है कि ये फार्मूला हिट है, शादी ब्याह वाली पिक्चरें जो हैं हिट होती है, तो डेफिनेटली सब बनाएंगे उन फिल्मों को. क्यों नहीं बनाएंगे, सबको पैसा चाहिए बॉक्स ऑफिस पे. तो उस सिनेरियो में जब ठाकरे इतना अच्छा बिजनेस करती है, हाउ डज ठाकरे, बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी, वाकई सही कह रही है. बहुत उसमें कोई गाना नहीं था, उसमें कोई कॉमेडी नहीं थी, उसमें कोई ट्रेजेडी नहीं थी. एक आदमी था, ये था वो आदमी, वो बुरा उस उनकी जो गलतियां थी वो भी दिखा रहे थे, उनकी कंट्रोवर्सीज थी वो भी दिखा रहे थे उसमें. ये इस तरह की फिल्म डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया उस फिल्म पे कि ये तो वो फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है. प्रोपेगेंडा फिल्म कहाँ थी वो? उस पर तो वो तो बाकायदा जैसे कंट्रोवर्शियल ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे थे, वही फिल्म तो वही दिखा रहे थे. कोई हमने एक्स्ट्रा उसमें नमक मिर्च डालने की कोशिश ही नहीं की. जो थे वही, वो तो रियल लाइफ में बहुत बड़े हीरो थे, जो हमने उसमें पिक्चर में दिखाया भी नहीं उनको. बट उसका चलना मेरे लिए इसलिए, मैं मुझे इसलिए खुशी होती है कि उसमें ना तो कोई गाना था थैंक गॉड, ना कोई सॉन्ग था, ना कोई कॉमेडी थी उसमें, जो फॉर्मूला होता है हिट होने का.